जब हम बोनी के पूर्व का जो खरपतवार नाशक है पेंटीमिथिलिन प्लस इमाजेतापीर इसका उपयोग करते हैं, ये करीब करीब 2.5 से 3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से इसका उपयोग करते हैं। इसका स्प्रे 500 लीटर में मिलाकर 2.5 लीटर मिलाकर इसको 500 लीटर पानी मिला लें और छिड़काव अच्छी तरह से कर लें, उसके बाद में बखर चलाकर इसको मिट्टी में मिला दें और उसके तुरंत बाद बोनी कर दें, तो सोयाबीन में करीब करीब 1 महीने तक इसमें खरपतवार नहीं आते हैं। 25 दिन बाद इसमें एक बार डोरा चला दें तो इस तरह से हमारी सोयाबीन 45 दिन तक खरपतवार रहित होगी। दूसरा जो ग्रुप है जो बोने के तुरंत बाद है उसका उपयोग कर सकते हैं, उसमें आजकल बहुत सारी नई दवाइयां आ गई है, रसायन आ गए हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं, जैसे डाइक्लोसलम 26 ग्राम प्रति हेक्टेयर, सल्फेंट्राजोन 750 ml प्रति हेक्टेयर, क्लोमोजोन 2 लीटर प्रति हेक्टेयर, पेंडीमिथिलिन 3.25 लीटर प्रति हेक्टेयर और सल्फेंट्राजोन प्लस क्लोमोजोन ये करीब करीब 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर और पायरेक्सा सल्फोन ये 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इनको छिड़काव करें। और इन दवाइयों का छिड़काव करते समय विशेष ध्यान रखें कि फ्लड जेट या फ्लैट फैन नोज़ल जिसको हम साधारण भाषा में कट नोज़ल बोलते हैं उसका उपयोग करें तो इससे आसानी से खरपतवार नियंत्रण होगा। और यदि हम ये दोनों ग्रुप के खरपतवार नाशक उपयोग नहीं कर सकते हैं तो हमें खड़ी फसल में भी खरपतवार नाशक का उपयोग कर सकते हैं, जिसके लिए जो अर्ली पोस्ट इमरजेंस जिसे हम बोलते हैं जो बोने के 10 से 12 दिन के बीच में उपयोग होते हैं, पहला इसमें क्लोरीमुरान इथाइल का उपयोग कर सकते हैं, ये 36 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से है। दूसरा बेंटाजोन है, ये 2 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये दोनों ही खरपतवार चौड़ी पत्तियों के लिए असरकारक हैं, इसलिए जहाँ पर चौड़ी पत्ती का प्रकोप ज़्यादा हो वहाँ पर इन खरपतवार नाशक का उपयोग कर सकते हैं 10 से 12 दिन बोने से 10 से 12 दिन के बीच में।